नारायणपुर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जिला राजगढ़ में कार्यरत था। कोरोना काल के समय मैं वहाँ से घर से वापस आ गया सर। उसके बाद वो हम पे जबरदस्ती सामान लेने का दबाव बनाने लगे। जब हम वहाँ पे सामान लेने किए गए तो वहाँ का कमरे का ताला टूटा हुआ था। वापस आने लग गए तो वहाँ के स्कूल का प्रिंसिपल पंचानंद भारी, यूपीएस तिवारी, राकेश माली और राजेश्याम माली, इन्होंने मेरे साथ मेरी पत्नी के साथ स्कूल का परिसर का मेन गेट बंद करके गाली गलौज की, बदतमीजी की। और उसके बाद सर जब हम बाद में उन्होंने पूछा कि हमारी बच्ची का रिजल्ट वगैरह, तो ये मेरी बच्ची है स्वास्थ्य का बकोरिया और ये स्वास्थ्य, जबकि सर इसे पास कर दिया गया कोरोना काल में, जबकि इसको अपसेंट दर्शा के फेल कर दिया गया। सिर्फ ये बोल के कि आपने जो हमारी 181 वो सहारनपुर थाने में आपने जो शिकायत की है वो उसकी आपने वापस नहीं ली, इसलिए बोलते हमने इसको अपसेंट दर्शा के फेल कर दिया। और उसी के न्याय के लिए सर मैं 2 साल से परेशान हूँ। मेरे पास इतने सारे कागज़ हैं सर, मैं मानव अधिकार आजा आजाद हूँ, राज्यपाल जी, राष्ट्रपति जी, पीएम साहब, सब कुछ मैं कागज़ दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई उचित की कार्रवाई नहीं हुई सर। और आज उसी शासन प्रशासन तक मेरी बात पहुँचाने के लिए आज ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिभा के सामने से ये शिवराज सिंह जी चौहान मामा जी के यहाँ अपनी बात पहुँचाने की पदयात्रा पैदल जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मामा जी आपकी भांजी है, आप इसको न्याय दिलवाएँ।